कुछ अर्जेंट काम आ गया था ऑफिस का, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, तो सोचा यहाँ बैठ के कर लूंगा। मेथी खराब हो रही थी तो सोचा साफ करके रख। विश आप देख पाते भाई, पापा और मम्मी की हालत आपके बिना क्या है। सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, ना ही झूठ कह रहा हूं भाई, जहां भी है सेफ है, ठीक है। आप लोग प्लीज सो जाइए, पापा मम्मी प्लीज। की लाइट्स ऑन है, शायद मम्मी पापा मेरा वेट कर रहे होंगे। घर का दरवाजा खुला है, गेट आउट। शादी के बाद तुम्हें हमारे इस घर में घर जमाई बनकर रहना होगा। वनराज शाह टूट जाएगा, बिखर जाएगा, लेकिन कभी झुकेगा नहीं, लेकिन कभी झुकेगा नहीं। अब अपने फैमिली के बिना रह सकते हो भाई, अब अपने फैमिली के बिना रह सकते हो भाई, अपने फैमिली के बिना रह सकते हो। क्या हुआ इंस्पेक्टर? वनराज शाह आप ही हैं? जी। आप इसे पहचानते हैं? ये तोसु का है, ये कहाँ मिला? ये मेरे बेटे पारितोष का है, ये कहाँ मिला आपको? इसके अंदर ये आईडी कार्ड्स, ये आपके बेटे का ही है ना? जी, ये सब मेरे बेटे पारितोष शाह का। तो ठीक है ना? कहाँ मिला आपको ये सब? तो सुखा है? एक्सीडेंट हुआ है। ये वॉलेट हमें वहीं डेड बॉडी के पास से बरामद हुआ। ये वॉलेट हमें वहीं डेड बॉडी के पास से बरामद। ये वॉलेट हमें वहीं
एक माँ को दुनिया के हर दुख, हर परेशानी, हर तकलीफ दिखा देना, ऐसा सपना मत देखा ना काना जी, ऐसा सपना मत देखा। और जब माँ बनती है ना, तो उसकी हर सांस प्रार्थना बन जाती है, उसके बच्चों की सुख खुशियां, उनकी लंबी उम्र, उसकी प्रार्थना। मेरे बच्चों की किस्मत में कोई भी दुख होने तो मेरे भाग्य में डाल दीजिए काना जी, मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखिए। आपको यशोदा माँ देव की माँ की सोगन, दोबारा ऐसा सपना दिखाने से पहले ने मेरी जान ले लेना, ऐसा सपना मत दिखाना, नहीं तो एक माँ ने अपने बच्चे के लिए भगवान से भी लड़ जाती है, मैं भी आपसे नाराज हो जाऊंगी अकाना जी, ऐसा सपना दोबारा मत दिखाना, ऐसा सपना दोबारा मत दिखाना काना जी। समर, समर, मम्मी, क्या हुआ? आप ठीक हो? क्या हुआ? पूरा सपना देखा? मम्मी, पानी। मम्मी, भाई की चिंता हो रही है। मैं भी कॉल करके पूछता हूँ। ओके। क्या हुआ? भाई का फोन अभी भी ऑफ आ रहा है। मम्मी, डोंट वरी, मैं भाई के फ्रेंड को कॉल करके पूछ लेता हूँ। ओके? हाँ, हाँ। सॉरी इतने रात को कॉल किया, वो एक्चुअली मम्मी को भाई की बहुत चिंता हो रही है। भाई ठीक तो है ना? इफ यू कैन प्लीज। या श्योर, गिव मी 2 मिनट्स। ओके।
क्या कहा? 2 मिनट में बता रहा है। मम्मी भाई एकदम ठीक है, देखो कितने आराम से सो रहे हैं। सो रहे हैं। और आराम से नहीं, ये देख रहे हैं, पेट के बल सो रहा है। तो सो ऐसे नहीं सोता, इसका मतलब उसे नींद आने में बहुत मुश्किल हुई है। पर कम से कम सो तो रहा है। आपने आके संसार का अंधेरा तो दूर कर दिया, लेकिन घर का अंधेरा तो घर का चिराग ही दूर करेगा ना। मेरे दोस्तों को वापस भेज दीजिए ना, भेज दीजिए। हो ऐसे ही मैं हालात को बिगड़ने से पहले रोक पाती। गणपति बाप्पा बोलिया। हे विघ्नहर्ता, इस परिवार पे आने वाले सारे संकट सारे विघ्न हर लीजिए गणपति बाप्पा। आप तो जानते हैं ना, एक पिता बेटे से प्यार तो करता है और देखा नहीं पाता तो सु के पापा खुद नहीं कह पाएंगे, इसलिए मैं कह रही हूं उनका तो सु उन्हें लौटा दीजिए बापा। जानती हूं बा, आप मुझसे नाराज हो, आप चाहे जितना गुस्सा कर लो, बस मुझे ये बता दो कि मेरा बेटा कैसे वापस आएगा। आप जो व्रत बोलोगे, आप जो पूजा बोलोगे, जो कथा बोलोगे, सब करूंगी बा, बस मेरा दोस्त। एक बार नारद जी ने कान्हा जी को पूछा कि आपका सबसे बड़ा भक्त कौन। तब कान्हा जी ने छोटे गांव के किसान का नाम लिया। नारद जी तो सारा दिन भगवान का नाम लेते हैं, उन्हें बुरा लगा। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों। कान्हा जी हंसे, नारद जी को एक पानी भरा कटोरा दिया और कहा कि जाओ पृथ्वी का एक चक्कर लगा कर आओ, पर ध्यान रखना कि कटोरे में से एक बूंद भी पानी ना गिरे। नारद जी तो लौटे। कान्हा जी ने पूछा मेरा नाम कितनी बार लिया। नारद जी ने कहा कि मेरा पूरा ध्यान उस पानी भरे कटोरे पर था, तो नाम कैसे लेता।
कान्हा जी हंसे और प्यार से बोले, आप एक ही काम में मेरा नाम लेना भूल कर? अरे उस किसान को तो हजार काम होते हैं, फिर भी वो मेरा नाम लेना नहीं भूला। अब आप ही कहो, सबसे बड़ा भक्त कौन, आप या वो? हम सब भी वो नारद जी जैसे, भगवान ने सबको दुख भरा एक कटोरा दिया है और उस कटोरे को ही हम देखते रहते हैं, विश्वास करना भूल जाते हैं। ये व्रत पूजा सबका फल तभी मिलता है जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं। बस तू विश्वास करना मत छोड़, ये विश्वास ही माँ की सबसे बड़ी ताकत है। जय श्री कृष्ण भाभी। जय श्री कृष्ण चिरमिन। सुनने उंधी और थेपले की जल्दी से तैयारी कर, आज मैं तोसु का मनपसंद खाना बनाऊंगी। लेकिन भाभी पारितोष भाई तो, अरे हाँ हमें वो गणपति बापा का फेवरेट खाना भी तो बनाना है ने? जानती हूँ, वो तो मैं बनाऊंगी, उन्हीं का नाम लेके तोसु के लिए, पूरे विश्वास के साथ। देख स्वीटी, मैंने कल मम्मी को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन आज मैं छुपा नहीं पाऊंगा। हाँ तो बता देना, मैं भी बोल दूंगी कि ये मेरा नहीं है। तेरा नहीं तो तेरे बैग में क्यों है ये? क्या मैंने कहा ना, मेरी क्लासमेट ने जानबूझकर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।